नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने सेकंड लेसन शुरू करा हुआ आपका विशेज कम ट्रू, जो उसके नेक्स्ट देखें बेटा। ऑल द लिटिल बॉयज हु हैड प्लेड कबड्डी विद सुशील टिल यस्टरडे केम एज यूजुअल। वो सारे छोटे लड़के जो कबड्डी खेलते थे सुशील के साथ कल तक, वो आए। सादा ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा एंड रैन अवे और चले गए। सुशील हैड ऑलवेज थॉट, सुशील हमेशा ये सोचता था, ही वुड प्ले कबड्डी विद हिज फ्रेंड्स ऑल डे लॉन्ग, कि वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करेगा। इफ ही वर एज फ्री एज हिज फादर, अगर वो उतना ही फ्री हो जाए जितने उसके पिता। बट नाउ द साइट ऑफ देम, पर अब क्या था, परंतु अब जो उनके सामने, मतलब जब वो आए, ओनली इरिटेटेड हिम, इरिटेटेड मतलब उसे, मतलब उनको देखकर ही एक जैसे इरिटेशन सी हो गई, खिंच सी पड़ गई। आई एम सिटिंग इन पीस, कि मैं शांति में बैठा रहा हूँ। ही थॉट, उसने सोचा, एंड हियर केम कम दोज बॉयज टू बॉदर मी, और यहाँ पर ये लड़के मुझे परेशान करने आ गए हैं। सुबल चंद्रा हैड द हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द पोर्च ऑन हिज मैट ईच डे एंड थिंग। सुबल चंद्रा की जो आदत थी कि वो पोर्च में मैट पर रोज बैठ जाया करते और सोचते, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई वेस्टेड माई टाइम इन मिसचीफ, मिसचीफ होता है बेटे शरारती, वेस्ट मतलब व्यर्थ किया है, मैंने अपना सारा समय जो है शरारतों में बिता दिया, व्यर्थ कर दिया। इफ़ आई गेट माई चाइल्डहुड बैक, अगर मुझे अपना बचपन वापस मिल जाएगा, आई वुड शट माई सेल्फ इन माई रूम, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँगा, स्टडी क्वाइटली ऑल डे, और सारा दिन चुपचाप पढ़ता रहूँगा। बट आफ्टर गेटिंग हिज चाइल्डहुड